हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ कंट्री चिकन करी यानी कि देसी चिकन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बनाऊंगी कुकर में और एकदम बंगाली स्टाइल में। और ट्रस्ट मी दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इस चिकन को बनाओगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स एंड क्वान्टिटी जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाई स्टेप एंड एंड तक फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुकर में ले लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता और थोड़ा सा साबुत जीरा, और कुछ सेकंड के लिए इन सारे चीज़ों को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप्ड प्याज, और प्याज को कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज के सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अभी हम नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे। अब हमें इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है, और फिर हमें इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अब हम मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करेंगे जब तक लहसुन अदरक का रॉ स्मेल चला जाए। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लेना है 1 मीडियम साइज चॉप टमाटर और हरी मिर्च। आपको कितना तीखा खाना पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड कीजिए। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें मीडियम फ्लेम में इसको कुक कर लेना है, और एक बार जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हमें इसको हल्के हाथों से ऐसे स्मैश कर लेना है। नेक्स्ट अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना है 3/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ना इसमें से ऑयल अलग होने लगे। मसालों में से जब ऑयल अलग होने लगे तब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि सारे मसाले एक साथ अच्छे से बाइंड हो सके। 1-1.5 मिनट के लिए कुक कर लेने के बाद फिर से जब मसालों से ऑयल अलग होने लगे तब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन पीसेस को। सारे पीसेस को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस चिकन पीसेस को मीडियम फ्लेम में 10 से 11 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक ना फिर से मसालों से ऑयल अलग होने लगे। मसालों में से जब फिर से ऑयल अलग होने लगे तब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे लाइटली फ्राइड आलू, पर ये टोटली ऑप्शनल है। जनरली हम बंगाली चिकन में आलू ऐड करते हैं, पर अगर आपको पसंद ना हो तो मत कीजिए। नेक्स्ट इसमें हमें ऐड करना है 3/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 कप गर्म पानी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पानी को मिक्स कर लेने के बाद हम चिकन को 4 से 5 सीटी तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। 4 से 5 सीटी तक कुक कर लेने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, और ध्यान रखिए कि कुकर को हमें इमीडिएटली नहीं खोलना है, एटलीस्ट 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रख देंगे। अब फिर से एक बार हम गैस को लो फ्लेम में जला लेंगे और चिकन करी के ऊपर डाल लेंगे चॉप धनिया पत्ता। देसी चिकन करी में चॉप धनिया पत्ता एक अलग सा टेस्ट ऐड करता है, इसीलिए धनिया पत्ता को ऐड करना मत भूलना। अब कुकर को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में कवर कर देंगे, ताकि धनिया पत्ते का फ्लेवर और स्मेल चिकन करी में बहुत अच्छे से आ सके। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है टेस्टी कंट्री चिकन करी। इसको आप रोटी, चावल, नान, पराठा, इन सारे चीज़ों के साथ आराम से खा सकते हो। सो आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और हाँ,
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो बटन है उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।